नमस्कार। आज आप ही लोग के द्वारा भेजे गए सवाल जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेजा गया, उन सवालों का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आइए पहला सवाल। किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रेमुल के संख्यात्मक मान के बराबर है, क्रेमुल ज्ञात करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग विकल्प से चलेंगे, विकल्प के आधार पर आंसर करेंगे, लेकिन अगर मूल तरीका जानना हो तो हम लोग ऐसे देखेंगे। क्रयमूल्य यानी सीपी एक्स रुपया मान लिए हम लोग, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत का मान भी एक्स प्रतिशत होगा, सवाल कहता है। सवाल आइए आप एक बार फिर से देखिए। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी जितना क्रयमूल्य होगा उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। इस सवाल को थोड़ा दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकता है, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वस्तु खरीदी गई, इसका भी मतलब वही होगा। तो लाभ प्रतिशत का मान x परसेंट, तो लाभ होगा कितना, आप लाभ निकालिए। जैसे आपका सीपी 500 हो, लाभ 10 प्रतिशत हो, तो आप लाभ कैसे निकालते हैं, इसका 10 प्रतिशत निकालते हैं, उसी प्रकार यहां लाभ तो निकालना होगा ना, ये तो लाभ प्रतिशत है। लाभ का मान होगा क्रयमूल्य का x परसेंट, यानी क्या, x स्क्वायर बटे 100, ये आपका लाभ निकला। अब आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, आपका विक्रय मूल्य इतना होगा क्रयमूल्य प्लस लाभ, इसी को विक्रय मूल्य कहते हैं ना आप लोग, क्रयमूल्य और लाभ दोनों मिलकर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपका 56 दिया हुआ है। क्या समीकरण मिला हम लोग को, मिला। x का मान निकालेंगे, हमारा आंसर होगा, आइए x का मान निकाल लेते हैं हम लोग। इसको 100 लेते हैं एलसीएम, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 56। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर क्या, 5600, और इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस क्या, 5600 बराबर 0। अब हम लोग को इसको तोड़ना है 100 को, और ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 100 हो और गुना करने के बाद 5600, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस 5600। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 140x, प्लस 140x और माइनस 40x। अब देखिए प्लस 140 और माइनस 40, ये इसको जोड़ेंगे 100 होगा और इसको गुना करेंगे तो माइनस 5600 होगा बराबर क्या, 0। अब कॉमन लेते हैं क्या, x प्लस 140 और माइनस क्या 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 140 बराबर 0, x माइनस 40 और x प्लस 140 बराबर क्या, 0। अब x बराबर 40 और x बराबर माइनस 140, तो माइनस हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रेमुल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो 140 तो नहीं होगा, x का मान क्या होगा, 40। इस सवाल में आपको इतना वक्त देना होगा अगर सीधा सीधा बनाना शुरू कर दीजिएगा तो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जितना वक्त हम लोग दिए यहाँ उतने वक्त में इस तरह का कम से कम 5 सवाल बनाएंगे हम। आइए इस सवाल को बनाना कैसे है, तो आपके पास ऑप्शन होगा 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, इस तरह का 4 ऑप्शन होगा।
आप ऑप्शन से ही चल लीजिए, आप पहले ऑप्शन को सही मान लीजिए, उसी को चेक कीजिए। मान लीजिए आपका पहला आंसर 20 वो सही है, यानी आपका क्रयमूल्य क्या है 20। अगर क्रयमूल्य 20 है तो लाभ भी 20% होगा, तो 20 का 20% 4 आपका विक्रयमूल्य हो जाएगा 24। क्या आपका विक्रयमूल्य 24 यहां दिया हुआ है? क्या आपका विक्रयमूल्य 56 है? इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 30 को चेक कीजिए, अगर 30 हमारा क्रयमूल्य होगा तो 30 का 30% 9। 39 हमारा विक्रयमूल्य होगा, ये भी नहीं चलेगा। अब आइए 40 को देखिए, 40 का 40% 16, 40 और 16 56। हाँ, ये क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, आंसर यही हो जाएगा। अब इस तरह का बहुत सारा सवाल आएगा, कुछ सवाल हम लोग ऐसे देख लें, किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु खरीदी गई, आंसर 80 होगा। क्यों? 80 का 80% 64 और 80 और 64 144। किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितने वस्तु खरीदी गई, तो क्रयमूल्य क्या होगा 50, 50 का 50% 25 यानी 75। तो कहने का मतलब है अगर दो चार सवाल आप बना लेंगे तो शायद ऑप्शन का भी जरूरत आपको नहीं लगे, ऐसे आप आंसर कर दीजिएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, सवाल कहता है किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, क्रयमूल्य क्या है? हूबहू वही सवाल है, अंक बदलकर सिर्फ आपको अभ्यास कराया गया है कि सवाल को लीजिए, जो बताया गया है उस आधार पर आप इसको कैसे बनाते हैं। अभी आपको मूल तरीका भी दिया गया और ऑप्शन से भी चलने कहा गया, तो मूल तरीका अभी अब हम लोग नहीं देखेंगे। आपको बताया गया कि पहले आंसर को आप सही मान लीजिए, अगर क्रयमूल्य 40 है तो लाभ 40% होगा क्वेश्चन के अनुसार, यानी 16, 40 और 16 कितना 56, हमारा विक्रयमूल्य 56 दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। आइए 50 को चेक करते हैं, 50 अगर क्रयमूल्य होगा तो 50 का 50% कितना होगा 25 यानी 75, ये भी हमारा विक्रयमूल्य नहीं है। अगर 60 होगा तो 60 का 60% 36 होता है, 60 का 60% 36 होता है यानी 96, जो हमारा विक्रयमूल्य नहीं है। अब तो 70 ऐसे ही हो जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। नहीं, आइए 70 का 70% आप निकालिएगा तो आएगा क्या 49, 49 और 70 कितना 119, यानी 119 के बराबर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये 70 होगा। ऐसे क्वेश्चन को इतना ही समय देना है, एक मिनट में आप 4 या 8 ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब है किसी भी सूरत में एक मिनट से कम वक्त देना है ऐसे सवाल में। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, क्रयमूल्य ज्ञात करें। मतलब 21 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई। मान लेते हैं हम लोग का ये पहला ऑप्शन सही है, तो 30 को चेक करेंगे तो 30% का ही नुकसान होगा, यानी कितने का नुकसान 9 का, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब है कि 30 सही है, लेकिन जैसे ही 30 सही है इसको हम लोग आंसर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन को देखना जरूरी है, यहाँ क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 70 और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब 70 भी हो सकता है क्या, तो 70 को चेक कर लीजिए। अगर आपका क्रयमूल्य 70 है तो नुकसान भी 70% का होगा, यानी कितना 49, और 49 रुपया का नुकसान होगा तो वस्तु बिकेगा कितना में 21 में। इसका मतलब 70 भी सही है, तो हम लोग अगर 30 को आंसर करके निकल जाते हैं तो गलत आंसर करेंगे ना। हम लोग का आंसर क्या होगा, सी ए एवं बी दोनों, यानी 30 और 70 दोनों। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए आपका सवाल, एक मेज को 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचें तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है,
परंतु वह मेज को 16.2/3% की हानि पर तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। मेज तथा कुर्सी का क्रमूल बताएं। आइए, अगर समीकरण बनाना हो तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, मेज x रुपए का और कुर्सी y रुपए का। मेज को लाभ पर बेचा गया 25%, इसका 25% लाभ कितना, इतना, यानी इतना आय हुआ, इतना कमाई हुआ, और यहाँ नुकसान हो गया कितना, 50/3% का। ये लाभ है और ये हानि है। मान लिया जाए जैसे 10 रुपया कमाए और 2 रुपया खर्चा हो गया, तो कुल मिलाकर कमाए तो 8 रुपया हुआ ना, तो ये लाभ और ये हानि कुल मिलाकर लाभ कितना, 50 रुपया। आपका पहला समीकरण ये होगा। या क्वेश्चन कहता इसी को हानि पर बेचा जाए, फिर इसको कितना परसेंट हानि पर बेचा जाए, तो 50/3% हानि पर बेचा जाए। इसको हानि पर बेचेंगे यानी माइनस, और इसको अब लाभ पर बेचना है, कितना, 25%। और ऐसा करते हैं तो कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, मतलब इसका मान क्या होगा, 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 अब इन दोनों से हल कर लीजिए, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। या इसी क्वेश्चन के लिए आप लोग ऐसे चल सकते हैं, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखिए। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कहता है कुर्सी को 25% लाभ पर और मेज को 16.2/3% की हानि पर, यानी 1/6 का हानि ले रहे हैं। किस पर, तो मेज पर। और लाभ ले रहे हैं 1/4 का, किस पर, कुर्सी पर। और इतना हानि और इतना लाभ होता है तो बात बराबर हो जाता है, मतलब जितना हानि होगा उतना ही लाभ होगा, तब तो कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। दो मार्कर हम बेच रहे हैं, एक मार्कर पर कुछ कमाई हुआ, दूसरे पर कुछ नुकसान हो गया, और कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, क्या क्या मतलब हम लोग निकालेंगे। यहाँ से जितना कमाई हुआ होगा यहाँ उतना ही नुकसान हो गया होगा, तब तो कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। तो यहाँ जितना नुकसान हो रहा है यहाँ उतना ही फायदा हो रहा है, तब तो कुल मिलाकर कोई नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं, यानी ये दोनों बराबर है। एक्स और वाई का रेशियो क्या, 6:4, यानी 3:2। यानी आप कह सकते हैं कि मेज का दाम कितना, 3A, और कुर्सी का दाम कितना, 2A, और इस पर लाभ कितना। अब पहला सेंटेंस में आएंगे, पहला सेंटेंस में इस पर लाभ कितना, 1/4, इस पर नुकसान कितना, 1/6, और दोनों का अंतर कितना, 50 रुपया। यहाँ से आप A का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर है। यहाँ दो वेरिएबल में है, यहाँ सीधा एक वेरिएबल में हम लोग आ गए। A का मान निकालेंगे और 2A हमारा आंसर होगा, 3A हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग A का मान निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो A बराबर आएगा 120, यानी 3A का मान क्या, 360, और 2A का मान क्या, 240। यानी मेज का दाम कितना, 360, और कुर्सी का दाम कितना, 240। ये आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य फिक्स है, निश्चित है, इस मार्कर को कितने में बिकना है वो निश्चित है, लेकिन किसी कारणवश इस मूल्य के 2/3 में, 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब जितना भी दाम इस पर लिखे हुए थे, जितना विक्रय मूल्य इसका लिखे हुए थे, उस पर नहीं बेच पाए, बेचे कितने में, उसके 2/3 भाग में, और ऐसा करने से क्या हो गया, नुकसान, 10% की हानि हुई। तो क्वेश्चन कहता है उस निश्चित मूल्य पर बिकता तो क्या होता, उस निश्चित मूल्य पर बिकता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। आइए क्रयमूल विक्रयमूल हम लोग मान लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी देखेंगे जहां शायद कम से कम वक्त लगे। उसका निश्चित विक्रय मूल्य जो था वो हम लोग मान लिए 100, यानी इस मार्कर को बिकना कितने में है, 100 में, लेकिन बिका कितने में, इसके 2/3 भाग में,
ये कितने में बिका? इसके दो तिहाई भाग में। इतना में बिकने से क्या हुआ? 10% का नुकसान, यानी ये विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य के 90% के बराबर होगा, होगा ना। 10% घाटा मतलब क्या? 90% ही वापस आया है, यानी ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर? 90% के बराबर। तो 100% निकालेंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा जिसको 100 रुपया में आप बेचना चाह रहे थे। आइए आपका क्रय मूल्य क्या होगा? 100 × 2/3 और गुना 90 और गुना 100, यानी 2000 × 27। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? 2000 × 27। अब क्वेश्चन कहता है इसको अगर 100 रुपया में ही बेचते तो क्या होता? तो जो लाभ होता वो ये होता, लाभ बराबर क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य 2000 × 27। तो लाभ का मान होता 2700 − 2000 = 700/27। ये लाभ होता। तो प्रतिशत लाभ क्या होता? प्रतिशत लाभ ये होता 700/27 / क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 2000 × 27 और गुना क्या? 100। ये 27 कैंसिल होगा, 2020 कैंसिल होगा और 20 से कटेगा ये 35 बार में, मतलब लाभ कितने परसेंट का? 35% का। इसी सवाल को आप ऐसे बनाइए, इतना वक्त देने का कोई जरूरत नहीं है। आप उस विक्रय मूल्य के 2/3 भाग में बेच रहे हैं ना, यानी विक्रय मूल्य का 2/3 भाग क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर? क्रय मूल्य के 90% के बराबर। आपका जो विक्रय मूल्य फिक्स है उसका 2/3 में बेचे, और 2/3 में बेचे तो मिला क्या? क्रय मूल्य का 90%। तब तो 10% का हानि हुआ। क्रय मूल्य का 90% वापस आया तब तो 10% का घाटा लगा। तो इसका 2/3 भाग क्रय मूल्य के कितने परसेंट भाग के बराबर? तो 90। इसका एक भाग कितने परसेंट के बराबर? तो देखिए तो कितना आता है, 90/2 × 3 135%। मतलब 135% में बिकता, और 135% में बिकता तो 35% का लाभ होता, बिल्कुल सही। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? इसका ना तो क्रय मूल्य फिक्स है ना तो विक्रय मूल्य फिक्स है। क्वेश्चन कहता है इतना से इतना के बीच में हम खरीदे हैं और इतना से इतना के बीच में बेचे हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि 150 रुपया से 300 रुपया के बीच, यानी एक मार्कर हम खरीद रहे हैं, उसका क्रय मूल्य क्या है? 150 नहीं, 300 नहीं, क्या? 150 से 300 के बीच। अब कितना है नहीं पता। क्वेश्चन कहता है अब उस पुस्तक को बेचना है कितने में? 250 से 350 के बीच, मतलब 250 में बेचना है? श्योर नहीं है। 350 में बेचना है? श्योर नहीं है। यहाँ से यहाँ के बीच आपको बेचना है, यानी ये मार्कर है इसको बेचना है। 250 में बेचना है कि 350 में बेचना है कि 300 में बेचना है, ये श्योर नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है के बीच की कीमत पर बेची जाए। तो अब आइए सवाल यहाँ से शुरू होता है, अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो पुस्तक बेचने से मिलेगा, जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन में सबसे मूल वर्ड यही है, ये अधिकतम। इस अधिकतम को आप हटा दीजिएगा तो शायद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। आइए अधिकतम लाभ कब होगा? आप समझ रहे हैं अधिकतम लाभ कब होता है? जब आप न्यूनतम में खरीदते हैं और अधिकतम में बेचते हैं। अधिक से अधिक लाभ का मतलब क्या? इस मार्कर को हम बेचना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा में बेचे हैं और ज्यादा से ज्यादा में खरीदे भी हैं तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। कम से कम में खरीदे हैं और अधिक से अधिक में बेचे हैं तब अधिक लाभ होगा, यही ना। हाँ, लाभ हानि तो आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इस मार्कर का दाम डेढ़ सौ से 300 हो सकता है, तो कम में खरीदेंगे तब ना ज़्यादा लाभ होगा। यानी एक मार्कर को हम कम से कम में खरीद लेंगे, यानी कितने में खरीदेंगे, 150 में, और अधिक से अधिक में बेचेंगे तब तो लाभ होगा। यानी बेचने का अधिकतम दाम क्या है, 350, यानी सबसे अधिक लाभ इसी स्थिति में होगा, नहीं, क्योंकि सबसे कम कीमत क्या है 150, सबसे अधिक विक्रय मूल्य क्या है 350, और ये जो लाभ होगा ये मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम लाभ कितना हो रहा है, 200, यानी एक मार्कर में एक पुस्तक में कितना कमा रहे हैं आप, 200, और 15 पुस्तक बेचना है आपको, मैक्सिमम लाभ कितने का, 3000 का, इससे ज़्यादा का लाभ इस 15 पुस्तक पर आप नहीं कमा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हालांकि आज का जो सवाल है ये आप ही लोग के द्वारा पूछा गया था, और भी सवाल है उस सवाल का भी जवाब देंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्काउंट बट्टा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।